नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं रचित। आज हम बात करेंगे बालाकोट से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट पर जो ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट ने पब्लिश की है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है जिसने अपने वेब पोर्टल पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बालाकोट से संबंधित कुछ जानकारियाँ बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें उसके निशाने चूक गए, यानी कि भारतीय वायुसेना ने जब जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो उसमें भारतीय वायुसेना सटीक निशाना नहीं लगा पाई, यानी कि जिस जगह आतंकवाद का गढ़ था, यानी कि जहाँ पे बेस था, जहाँ पे भारतीय वायुसेना को निशाना लगाना था, वो जो लक्ष्य था या बम था वो उससे दूर जाके गिरा। ऐसा कहना है ASPI का। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट इसका नाम है। तो आइए आपको बताता हूँ विस्तार से कि इस की रिपोर्ट में कहा क्या गया है। सबसे पहले बात की गई कि भारतीय वायुसेना जब बालाकोट के अंदर घुसी तो जिस जगह पर जैश का ठिकाना है उस जगह पर जब भारतीय वायुसेना ने बम्बार्डिंग की, यानी कि गोले बरसाए, तो उससे दूर जाकर गिरे। साथ ही भारतीय वायुसेना ने जो स्पाइस 2000 मिसाइल जो इसराइल ने बनाई है उसका इस्तेमाल किया, उसका भी GPS के ज़रिए सही निशाना नहीं लगाया जा सका। ऐसा ASPI की रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन जब हमने इस चीज़ का विश्लेषण किया तो हमारी रिपोर्ट में, हमारी जांच में कई ऐसी चीज़ें सामने आई जो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं। जैसे कि आपको बताऊं, सबसे पहले एक मेजर खामी जो इस रिपोर्ट में सामने आती है वो ये है कि ASPI के जो लेखक हैं, जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, उन्होंने ये बात मान ली कि भारतीय वायुसेना ने GPS में, जो अपने GPS होती है एक लड़ाकू विमान के अंदर, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरी। ये तो सरासर बिल्कुल गलत बात प्रतीत होती है कि भारतीय वायुसेना अगर कहीं पे एयर स्ट्राइक करने जा रही है या कहीं पे हमला करने जा रही है तो अपने GPS में गलत इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकती है। भारतीय वायुसेना जब भी किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जाती है तो उस एरिया का गहन इंस्पेक्शन होता है, उसकी जानकारियाँ जुटाई जाती हैं या अलग अलग चीज़ों में उसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने अपना जो सिस्टम है, जो GPS सिस्टम है, उसे नहीं परखा। ये बात भी अपने आप खारिज हो जाती है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो भी अगर कभी विमान उड़ाया जाता है या कहीं पर हमले के लिए जाया जाता है तो विमान के सिस्टम को जांचा परखा जाता है और उस वातावरण का एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जहां पे भारतीय वायुसेना स्ट्राइक करेगी, यानी कि जहां पे हमला करेगी, गोले बरसाएगी, उस जगह का एक नमूना तैयार किया जाता है जिसके बाद उस वहाँ पर हमला किया जाता है। उसकी पूरी एक अच्छी तरह प्लानिंग होती है, अच्छी तरह उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनती है, अच्छी तरह से उसके खाके तैयार होते हैं, तब जाकर एक एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना करती है। यानी कि ये भी पॉइंट जो रिपोर्ट में बताया गया है पूरी तरह से खारिज हो जाता है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। ASPI ने अपने आर्टिकल में कहा कि इसराइल ने जो मिसाइल बनाई है स्पाइस 2000 जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने जैश के जो ठिकाने उसको उड़ाने में किया है, वो एक ग्लाइडेड बम है, यानी कि वो झुके हुए पर्यवेक्षक से वार करता है। चूंकि 33 मीटर की जानकारी गलत भरी गई इसलिए बम लक्ष्य से चूककर कहीं और गिर गया। ये बात भी गलत प्रतीत होती है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय वायुसेना अगर कहीं स्ट्राइक करे या कहीं मारे तो उसका निशाना चूक जाए। बम आसपास इधर उधर गिर सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय वायुसेना का निशाना इतना ज़्यादा चूक जाए, वो भी जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमान उस जगह पर गए हों। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमान 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे बालाकोट में घुसे और उन्होंने जैश के ठिकानों पर हमले किए और जिसमें कई सारे लोगों के मरने की भी बात सामने आई थी। अब चौथी बात मैं आपको बताऊँ इस आर्टिकल में क्या कहा गया। इस आर्टिकल में यह चीज़ भी कहीं से व्यवहारिक नज़र नहीं आती क्योंकि जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना है वो जब्बा पॉइंट पर है, जो एक बहुत ही घना जंगल है और उसमें जो बिल्डिंग है जहाँ पर, वहाँ पे पेड़ बिल्डिंग से भी ऊँचे हैं। और ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगा कि भारतीय वायुसेना ने इतने घने जंगल में जो लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए 80 डिग्री से कम का एंगल लिया हो। यानी कि आप जब वार करते हैं किसी जगह को भेदने के लिए, भारतीय वायुसेना जब ऐसा करती है तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इतने घने वन में जब भारतीय वायुसेना स्ट्राइक कर रही होगी, वो भी रात के अंधेरे में, तो उसने 80 डिग्री से कम का एंगल लिया होगा। लिहाजा ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगी
के एएसपीआई के जो लेखक ने ये बात बोली है वो सरासर बिल्कुल गलत है, झूठी है। आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बीएस धनोहा ने भी पूरा बयान इस पर जारी करते हुए कहा था कि वी हिट द टारगेट एंड वी हिट इट, यानी कि हमें जहां पर हमला करना था हमने किया। जब उनसे ये भी पूछा गया कि कितने लोग इसके अंदर मारे गए तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोगों को हिट करते हैं, हम आतंकियों पर हमला करते हैं, लाशें नहीं गिनते, लाशें गिनना सरकार का काम है, लाशें गिनना भारतीय वायुसेना का काम नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई भी इस बात पर सवाल उठाता है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जो हमले किए हैं उसमें कोई आतंकवादी नहीं मरा, जैश के ठिकानों पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ये बात सरासर झूठ नज़र आती है, क्योंकि उस जगह को भी पाकिस्तान ने पत्रकारों को नहीं दिखाया। हालांकि कुछ दिनों पहले राइटर्स ने भी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, लेकिन वो भी सही साबित नहीं कही जा सकती कहीं से भी कि वो रिपोर्ट पूरी तरह से सही है, ऐसा माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इस मामले पर पूरी तरह से सफाई दी है। और कोई भी देश किसी बाहर की रिपोर्ट पर क्यों विश्वास करेगा जबकि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक इस चीज़ की पुष्टि की है। तो ऐसे में सवाल उठाना कहाँ तक जायज़ है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लक्ष्य चूक गए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनखबर.com।